आप सभी को मेरा नमस्कार। केंडा रोबिको के ज़्यादातर इक्विटी फंड्स का अगर आप परफॉर्मेंस चेक करेंगे तो ट्रैक रिकॉर्ड पास्ट का बहुत अच्छा रहा है। पहले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इन फंड्स ने जनरेट किया है, लेकिन रीसेंट टाइम्स में अगर आप परफॉर्मेंस चेक करेंगे तो ज़्यादातर फंड्स परफॉर्मेंस वाइज अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं और कुछ फंड्स तो काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आगे हम केंडा रोबिको के इक्विटी फंड्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप खुद से खुद का इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर सकें, तो उसके लिए आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आप केंडा रोबिको के उन सारे इक्विटी फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए, उन सारे रिटर्न्स को मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है जहाँ पे ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ये बेंचमार्क का जैसे रिटर्न है और ये फंड का रिटर्न है, तो बेंचमार्क ने 27.6% का रिटर्न दिया है और इस फंड ने 26.51% का रिटर्न दिया है, तो बेंचमार्क से कम रिटर्न है, इसलिए रेड कलर से हाईलाइटेड है। तो यहाँ पे देखिए, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर के डायरेक्ट प्लान का CAGR रिटर्न चेक कर सकते हैं और साथ ही बेंचमार्क का रिटर्न भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फंड वाइज पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं। तो देखिए, केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड का अगर परफॉर्मेंस देखें तो ऑल्दो बेंचमार्क से रिटर्न कम है, लेकिन बेंचमार्क के आसपास ही रिटर्न है, ऐसा नहीं कि बेंचमार्क से बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म में कोई फंड थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस करता है तो ये कोई मेजर कंसर्न, बड़ा कंसर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर इनका 5 ईयर 10 ईयर का परफॉर्मेंस देखें तो परफॉर्मेंस अच्छा है। इनफैक्ट केंडा रूबिको के ज़्यादातर फंड्स का, इनफैक्ट सारे फंड्स का अगर आप 10 ईयर का रिटर्न देखें तो 10 ईयर के रिटर्न में आपको प्रॉब्लम नहीं दिखेगा, सारे फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। 5 ईयर में भी अगर आप देखें तो ज़्यादातर फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। तो ये डिटेल हमें ये बताता है कि केंडा रूबिको के इक्विटी फंड्स का ट्रैक रिकॉर्ड जो है लॉन्ग टर्म वो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन हाँ, रिसेंट टाइम्स में अंडर परफॉर्मेंस आया है। लाइक 1 ईयर 3 ईयर देखें, ज़्यादातर फंड आपको रेड कलर का दिखेगा रिटर्न, खासकर 1 ईयर में तो अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे ब्लू चिप का अंडर परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये कोई मेजर कंसर्न नहीं होना चाहिए। इमर्जिंग इक्विटीज फंड इनका बहुत अच्छा फंड है, लेकिन फिलहाल अंडर परफॉर्मेंस ज़्यादा है। देखिए कितना ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है। फ्लैक्सी कैप का भी अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है, फोकस्ड इक्विटी फंड का भी अंडर परफॉर्मेंस है, अफकोर्स ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस नहीं है। मिड कैप का अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है, स्मॉल कैप अगेन बहुत अच्छा कर रहा था ये फंड कुछ समय पहले तक, लेकिन अब तो अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा आ गया है। यहाँ पे वैल्यू फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है, ELSS फंड अगेन इनका बहुत अच्छा फंड हुआ करता है, लेकिन आप फिलहाल देखें तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। नीचे सेक्टर और थीमेटिक फंड्स हैं, तो कंज्यूमर ट्रेंड फंड का तो परफॉर्मेंस अच्छा है, बेंचमार्क को थ्रू आउट अच्छे मार्जिन से बीट कर पा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड देखिए इंटरेस्टिंग है, 50% से भी ज़्यादा का रिटर्न है लास्ट 1 ईयर में। तो देखिए, इस तरह का अगर रिटर्न आपको देखने को मिलेगा तो ऑफकोर्स आप बोलेंगे बहुत अच्छा फंड है, टॉप क्लास का फंड है, क्या रिटर्न जनरेट किया इस फंड ने। लेकिन ये रिटर्न देख, ये किसी भी फंड के रिटर्न देखने का सही तरीका नहीं है, इससे आपको परफॉर्मेंस का सही पता नहीं चलता है। आपको हमेशा बेंचमार्क से कंपेयर करना है, बेंचमार्क का रिटर्न क्या है। देखिए, बेंचमार्क ने लास्ट 1 ईयर में 110 से भी ज़्यादा का रिटर्न जनरेट किया है, जबकि ये फंड सिर्फ 50% का रिटर्न दे रहा है। तो बेंचमार्क के मुकाबले परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नाउ हम केंडा रूबिको के कुछ टॉप इक्विटी फंड्स के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। जब भी आपको किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का डिटेल चेक करना हो तो आप चेक कहाँ से करेंगे, तो सबसे पहले आप उस म्यूचुअल फंड कंपनी के वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से उनका फैक्ट शीट, जो लेटेस्ट फैक्ट शीट है, वो डाउनलोड करें और वहाँ से डिटेल चेक करें। अगर कोई डिटेल वहाँ पर नहीं मिलता है जो कि आप चेक करना चाहते हैं, इन दैट केस आप थर्ड पार्टी वेबसाइट से उन डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। ये है केंडा रूबिको का फैक्ट सीट, लेटेस्ट फैक्ट सीट है January 31, 2024। यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगे वो एज ऑन January 31, 2024 का होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या डिटेल्स हमें मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, मार्केट के बारे में आपको बताया जाएगा, इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट के डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे केंडा रूबिको में जितने भी स्कीम्स हैं, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, सारे स्कीम्स का आपको डिटेल्स यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए सारे स्कीम्स, और यहाँ पे इनका SIP रिटर्न्स चेक कर सकते हैं, प्लस फंड मैनेजर वाइज स्कीम परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नीचे आपको ये भी बताएगा कि हाउ टू रीड अ फैक्ट शीट, जो भी उसमें डेफिनेशन दिया हुआ है, डिस्क्लेमर्स है, वो भी आपको यहाँ पे
मिल जाएगा। यहाँ पे सारे स्कीम्स का आपको स्नैपशॉट मिल रहा है। तो देखिए केनरा रुपीको फ्लेक्सी कैप फंड, देखिए यहाँ पे आपको एयूएम मिल रहा है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, बीटा क्या है, शार्प रेशियो, आर स्क्वायर, पोर्टफोलियो टर्नओवर, बेंचमार्क, फंड मैनेजर्स कौन कौन से हैं, एग्जिट लोड क्या है, तो सारे ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। लाइक ब्लू चिप फंड अगर आप देखें, इनका लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, तो बीटा देखिए 1 से कम है, तो कम वोलाटाइल है मार्केट के रिलेटिव टू। शार्प रेशियो देखिए, शार्प रेशियो 1 से भी कम है, तो शार्प रेशियो मैंने आपको हमेशा बताया अगर 1 से ज्यादा है तो उसे अच्छा माना जाता है, अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न माना जाता है, तो फिलहाल इनका 1 से भी कम है, तो परफॉर्मेंस डाउन हुआ है इनका। और केनरा रुपीको इमर्जिंग इक्विटीज फंड का देखिए, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है इनका, तो इनका एवीएम काफी बड़ा हो गया, ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ के आसपास इस फंड का, तो परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा था पहले, अभी तो खैर अंडर परफॉर्मेंस थोड़ा है। देखिए शार्प रेशियो 0.92, तो 1 के आसपास ही है, बुरा नहीं बोलेंगे, 1 के आसपास ही है हाँ, लेकिन 1 से ज्यादा हो तो उससे अच्छा माना जाएगा। केनरा रुपीको स्मॉल कैप फंड का डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए शार्प रेशियो कितना ज्यादा है, 1.64, तो करंटली तो अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन मैंने आपको बताया था पहले परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ रहा था इस फंड का, इसीलिए शार्प रेशियो ज्यादा आ रहा है। उसी तरह से आप फोकस्ड फंड, वैल्यू फंड, मिड कैप फंड, मल्टी कैप फंड और ईएलएसएस फंड का भी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। लेकिन ईएलएसएस फंड ही देखिए, शार्प रेशियो देखिए 0.89, तो फिलहाल अंडर परफॉर्मेंस के कारण थोड़ा शार्प रेशियो कम हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कम हो गया, थोड़ा भी यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस आता है इन फंड्स का तो शार्प रेशियो 1 से ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे केनरा रुबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड का आप डिटेल चेक कर सकते हैं। ये देखिए कैटेगरी या टाइप आपको यहाँ से पता चलेगा, तो ये लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है और ज्यादातर अपना इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप के स्टॉक्स में करता है। यहाँ पे आप इनका एवीएम चेक कर सकते हैं, एनएवी चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट प्लान रेगुलर प्लान का एनएवी क्या है, एसेट एलोकेशन चेक कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा। तो देखिए ये 80 to 100% अपना इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, साथ ही 0 to 20% ये अदर इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे और 0 to 20% डेट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेंगे, साथ ही रीट्स या फिर इन्विट्स में भी 0 to 10% तक का ये एक्सपोजर ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए मिनिमम SIP, STP, SWP का इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या है, लमसम का अमाउंट क्या है, ये सब आप देख सकते हैं। एग्जिट लोड यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 1 ईयर से पहले अगर आप बेचते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा। यहाँ पे देखिए एक्सपेंस रेशियो, रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान का क्या है, बेंचमार्क क्या है, फंड मैनेजर्स कौन कौन से हैं इस फंड के, फंड मैनेजर का टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितना है और इस फंड को कब से मैनेज कर रहे हैं, ये देखिए प्रोडक्ट पोजिशनिंग मतलब कि ग्रोथ या वैल्यू कहाँ पे इनका इन्वेस्टमेंट होता है उससे आपको पता चल रहा है। तो देखिए ये अपना इन्वेस्टमेंट टॉप 100 कंपनीज में ज़्यादातर करेंगे और यहाँ पे ये ब्लेंडेड स्ट्रैटेजी के लिए चाहते हैं, दैट इज ग्रोथ और वैल्यू दोनों स्टाइल्स को ये फॉलो करते हैं। लेकिन हाँ जब आप इनका पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि मोस्टली ग्रोथ में ही इन्वेस्टमेंट है, वैल्यू में इन्वेस्टमेंट काफी कम है। यहाँ पे आप क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो देखिए काफी कम है, मतलब कि ज्यादा बाय एंड सेल नहीं करते हैं, शार्प रेशियो 1 से कम है। और यहाँ पे देखिए आप इनका पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं और साथ ही सेक्टर्स भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों आपको दिख जाएगा, लाइक बैंक्स में किन किन बैंक्स में इनका एक्सपोजर है। तो देखिए HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक, महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक में इनका एक्सपोजर है। IT सॉफ्टवेयर में किन में कहाँ पे ज़्यादा एक्सपोजर है, तो इन्फोसिस, TCS सभी जगह इनका एक्सपोजर लिया हुआ है। ऑटोमोबाइल, फार्मा, इसी तरह से आप पूरा पोर्टफोलियो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप PSU का एक्सपोजर देखेंगे तो देखिए SBI में तो ज़्यादातर फंड्स का एनुअल एक्सपोजर होता ही है, और नीचे अगर आप PSU ढूंढेंगे तो PSU आपको मिलेगा, कुछ ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ एक्सपोजर आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। या REC में अबाउट 1% का एक्सपोजर रखा गया है। उसके बाद नीचे अगर आप जाते हैं तो NTPC है, 2.7% का एक्सपोजर लिया गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 1% के आसपास है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में तो सिर्फ 0.46 का एक्सपोजर है। देखिए इन्होंने वैल्यू स्टॉक्स में एक्सपोजर लिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिया है, तो नंबर ऑफ वैल्यू स्टॉक्स तो है लेकिन एक्सपोजर कोई बहुत ज्यादा या सिग्निफिकेंट एक्सपोजर नहीं है। तो ऑल दो वहाँ पे रिटर्न्स तो बहुत आ रहे हैं उन स्टॉक्स के, तो इनका एक्सपोजर ज्यादा नहीं है, इसके कारण पॉजिटिव असर इन फंड्स के रिटर्न पे नहीं पड़ रहा है वैल्यू स्टॉक्स का। यहाँ पे देखिए केनरा रुबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड, बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस हमने देखा था यहाँ पे आ रहा है रिसेंट टाइम्स में, तो ये देखिए इनका लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है। तो ये फंड एसेट एलोकेशन देखिए यहाँ पे कहाँ पे ये अपना इन्वेस्टमेंट करेगा, तो देखिए
लार्ज कैप में 35 to 65% अपने टोटल एसेट का इन्वेस्ट करेगा, मिड कैप में भी 35% to 65% ये इन्वेस्ट करेगा अपने टोटल एसेट का। और यहाँ अभी देखिए रीट्स और इन्वेट्स तो लगता है सभी जगह ये अपना एक्सपोजर के लिए रखा है इन्होंने, 0 to 10% का एक्सपोजर। यहाँ पे भी दो फंड मैनेजर्स हैं और मिस्टर श्रीदत्ता इस फंड को 2019 से मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट पोजिशनिंग में आपको पता चलेगा कि इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, कैसे ये अपने स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है बॉटम अप अप्रोच को ये मोस्टली फॉलो करते हैं और उसके बेसिस पे स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे शार्प रेशियो अगर आप चेक करेंगे तो 1 के आसपास ही, ऐसा नहीं कि बहुत बुरा शार्प रेशियो है। तो उसका कारण यही है कि पहले तो परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा था इन फंड्स का, बट हाँ रिसेंट टाइम्स में अंडर परफॉर्मेंस है। पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो देखिए पोर्टफोलियो तो आपको ज़्यादातर सेम ही मिलता है, मैंने हमेशा बताया ना एक फंड हाउस का एक फंड सफिशियंट होता है, क्योंकि ज़्यादातर में आपको सेम स्टॉक्स मिलेंगे। लाइक बैंक्स में देखिए सेम ICICI, HDFC, एक्सिस, SBI, कोटक, और देखिए अगेन PSU, बैंक ऑफ बड़ौदा है PSU, लेकिन देखिए एक्सपोजर कितना है, 0.5% का एक्सपोजर भी नहीं है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा पोर्टफोलियो में। अगर नीचे भी देखेंगे कि कहीं PSU आपको मिल जाए तो देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहाँ एक्सपोजर लिया गया है 3% प्लस का। भारत डायनेमिक्स अगेन कोई एक्सपोजर ही नहीं, 0.76, क्या फर्क पड़ जाएगा। तो यहाँ भी पोर्टफोलियो में हमने वही देखा है कि देखिए एक्सपोजर यहाँ भी लिया गया है वैल्यू स्टॉक्स में, लेकिन एक्सपोजर सिग्निफिकेंट नहीं है। तो अगर रिटर्न्स आते भी हैं तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। देखिए यहाँ मार्केट कैपिटलाइजेशन आप चेक कर सकते हैं, तो डेट में अबाउट डेट या कैश में 4% के आसपास है, लार्ज कैप में 53% है, मिड कैप में ऑलमोस्ट 37% है, स्मॉल कैप में अबाउट 6% के आसपास का एक्सपोजर है। यहाँ पे देखिए स्मॉल कैप फंड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा था इस फंड का, बट रिसेंट टाइम्स में अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा है। इस फंड को भी टू फंड मैनेजर्स मैनेज कर रहे हैं, मिस्टर श्रीदत्ता 2019 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप चेक करें तो डेट में या फिर कैश में काफी कम रखा गया है, 3% से भी कम का है। लार्ज कैप में देखिए 11% रखा गया है, स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में लार्ज कैप में अच्छा खासा एक्सपोजर लिया गया है। मिड कैप में भी ऑलमोस्ट 17% का एक्सपोजर है, स्मॉल कैप में अबाउट 69% का एक्सपोजर। यहाँ पे देखिए शार्प रेशियो कितना अच्छा है इस फंड का, 1.64, इसे काफी अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न माना जाएगा। तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि पहले तो परफॉर्मेंस अच्छा था ही, बट हाँ रिसेंट टाइम्स का अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है। यहाँ पे देखिए पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं कहाँ पे इनका इन्वेस्टमेंट है, तो MCX में एक्सपोजर है, BSE है, आनंद राठी वेल्थ है, और नीचे भी आप कंप्लीट पोर्टफोलियो इनका चेक कर सकते हैं। यहाँ पे केनरा रूबिको ELSS टैक्स सेवर के डिटेल्स हम चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये लॉक इन होगा 3 ईयर्स का, बिकॉज ELSS फंड है। यहाँ पे देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन चेक कर सकते हैं, तो डेट में यहाँ पे 4% के आसपास का एक्सपोजर है, लार्ज कैप में 69% का एक्सपोजर है। तो ये ELSS फंड में मोस्टली लार्ज कैप में एक्सपोजर किया गया है, लेकिन हाँ मिड कैप स्मॉल कैप में भी एक्सपोजर लिया गया है। यहाँ पे देखिए आप पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं इनका, तो पोर्टफोलियो मोस्टली सेम स्टॉक्स आपको ज़्यादातर मिलेंगे। लाइक बैंक्स में देखिए वही सेम है, IT में भी आपको मोस्टली सेम मिलेंगे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि किन किन स्टॉक्स में इनका इन्वेस्टमेंट किया गया है। यहाँ भी देखिए वही है PSU, यहाँ भी देखिए एक्सपोजर लिया गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं, यहाँ भी आपको PSU का नाम मिल जाएगा। लाइक NTPC देखिए यहाँ पे है, नीचे जाएंगे तो भारत डायनेमिक्स है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो PSU में यहाँ भी एक्सपोजर लिया गया, लेकिन हाँ वही है कि एक्सपोजर काफी कम है। अभी हमने केनरा रूबिको के इक्विटी फंड्स का डिटेल चेक किया है, तो देखिए पास्ट परफॉर्मेंस वाइज तो ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ रिसेंट टाइम्स में फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। तो इसका रीज़न क्या है? देखिए रीज़न हम कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ भी वही रीज़न है। किसी भी फंड का अगर अंडर परफॉर्मेंस होता है तो रीज़न क्या है? स्टॉक सेलेक्शन में प्रॉब्लम है, फंड मैनेजर सही से वैसे स्टॉक्स को सेलेक्ट नहीं कर पा रहा है जिसका परफॉर्मेंस रिसेंट टाइम्स में अच्छा हो। देखिए अभी तक हमने क्या देखा है, पराग पारे फ्लेक्सी कैप के फंड्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखें या फिर क्वांट के फंड्स का परफॉर्मेंस देखें, रीसेंट टाइम्स का परफॉर्मेंस कहाँ से आ रहा है? देखिए दोनों ही वैल्यू स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है फिलहाल, अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा है। जबकि एक्सिस के फंड्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखें या मेरे के फंड्स का परफॉर्मेंस देखें या फिर केनरा रूबिको के फंड्स का परफॉर्मेंस देखें, तो देखिए यहाँ पे ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो किया जाता है। केनरा रूबिको में कुछ वैल्यू स्टॉक्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि वैल्यू स्टॉक्स यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनका एक्सपोजर ज़्यादा नहीं है। तो अगर रिटर्न्स आता भी है तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में उसका कोई खास असर
नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि अगर किसी के पोर्टफोलियो में इस तरह के फंड्स हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड पहले बहुत अच्छा रहा है, उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट किया गया और लास्ट में 1-2 ईयर्स में परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे मैंने कई बार पहले भी आप लोगों को बताया है ना, इस साल तक का आइडियली हमें टाइम देना चाहिए। अगर अच्छे क्वालिटी का फंड है, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और रीसेंट टाइम्स में अंडर परफॉर्मेंस आया, क्यों आया है? क्योंकि ग्रोथ स्टॉक्स पूरा उन्होंने भरा हुआ है, वैल्यू स्टॉक्स अब चल रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने वैल्यू स्टॉक्स में अपना एक्सपोजर ज़्यादा नहीं लिया, या तो नहीं लिया या फिर काफ़ी कम लिया है। तो वहाँ पर देखिए ज़्यादातर स्कीम्स में प्रॉब्लम दिखने को मिल रहा है। बहुत सारे टॉप क्लास के जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स थे जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा था, वो भी मोस्टली अभी डाउन एंड आउट हैं। तो यहाँ पे इस साल का टाइम देना चाहिए। इस साल का टाइम क्यों देना चाहिए? वो इसलिए क्योंकि सेकेंड हाफ में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेट कट होगा। जब भी रेट कट होता है तो उस समय देखा गया है कि ये जो ग्रोथ स्टाइल वाले स्टॉक्स हैं, अच्छे क्वालिटी के ग्रोथ स्टॉक्स, वहाँ पर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा आता है। तो उम्मीद करना चाहिए कि इस साल के अंत तक यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखने लगेगा और नेक्स्ट ईयर से तो मोस्टली परफॉर्मेंस अच्छा हो जाना चाहिए। अगर इस साल के अंत तक भी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं आता है, तब तो ऑफकोर्स हमें उस तरह के फंड्स पे कॉल लेना चाहिए कि इन फंड्स का क्या करना है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो एवरी सैटरडे शाम को मैं 7:30 to 8:30 PM यूट्यूब पे लाइव आता हूँ, वहाँ पे आप अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।